एक ओंकार करता। तिलक जंजू राखा प्रवता का, कीनो बड़ो कलू में साका। अमृतसर दी पवित्र धरती ते पैदा होए अजिहे धर्मात्मा शांति दे पुंज, दया अते वैराग दी मूरत, जो मनुखता दी पलाई अते धर्म दी रख्या खातर कुर्बान हो गए। ओना ने ना केवल अपने आप नू कुर्बान कीता, बल्कि अपने पूरे परिवार नू भी देश दुनिया दी खातर कुर्बान कर दिता। जेकर कोई मनुख अपने अते अपने परिवार दी जिंदगी सवारन लई तकलीफा सहंदा है ता ऐ एक साधारण गल है, पर जदों कोई निस्वार्थ होके दूजियां दी भलाई वास्ते कुर्बान हो जावे ता ऐ एक असाधारण गल है। हिंदू धर्म नू बचाउण वास्ते हसदियां हसदियां अपना शीश पेटा कर दिता, पर मूहों उफ तक ना निकली। आप जी ने मुगलां दे सामने अपना शीश ना चुकाया, ना ही उन्हां दा मुस्लिम धर्म आप जी ने स्वीकार किया, बस अपने वचन ते कायम रहे। तन तन है अजेही महान आत्मा। तुसी समझ ही गए होगे कि असी किन्ना दी गल कर रहे हाँ। असी गल कर रहे हाँ हिंद दी चादर अते सिखां दे नौवे गुरु धन श्री तेग बहादुर जी दी। आप जी का जन्म 1 अप्रैल 1621 ईस्वी नूं अमृतसर विच होया। आप जी सिखां दे 6वें गुरु पिता श्री हरगोबिंद साहिब जी और माता नानकी जी दे सब तो छोटे पुत्र सन। अमृतसर दा ओ पावन स्थान जिथे आप जी पैदा होए उथे अजकल गुरु का महल गुरुद्वारा सुशोभित है। आप जी दे 4 वड्डे भरा वी सन, बाबा गुरदित्ता जी, बाबा सूरजमल जी, बाबा अनी राय जी, बाबा अटल राय जी ते एक आप जी दी भैन बीबी वीरो जी सन। आप जी दा बचपन दा नाम त्यागमल रख्या गया। आप जी छोटी उम्र तो ही बड़े होनहार शांत स्वभाव अते धार्मिक सन। कई बारी आप जी अपने पिताजी दे नाल शिकार भी खेडन जाया करदे। 14 साल दी उम्र विच आप जी ने अपने पिताजी दी अगुवाई विच मुगलां दे नाल युद्ध कीता। बैंदे खान नूं अपनी तलवार दे जोहर वखा के उस नूं बुरी तरह हरा दिता। नाले डरे ते सहमे पिंड दे लोकां नूं बैंदे खान दे अत्याचारां तों निजात दिलवाई। जंग विच जिस तरह आप जी ने तलवार दे जोहर वखाए, उस तों खुश होकर पिता जी ने तलवार दा तनी समझदिया होया आप जी दा नाम त्यागमल तो तेग बहादुर रख दिता। 14 सितंबर 1632 ईस्वी नूं आप जी दा विआह करतारपुर निवासी लाल चंद अते माता बिशन कौर जी दी बेटी गुजरी जी नाल संपन्न होया। गुरु जी दी साखी विच दर्ज है, जदों 6वें गुरु हरगोबिंद साहिब जी नूं अपना आखरी समा कोल आउंदा दिखिया तां उन्हां ने अपने पोते श्री हर राय जी नूं गुरगद्दी दे योग समझदिया होया 19 मार्च 1644 ईस्वी नूं सिखां दा 7वां गुरु घोषित कर दिता। उस वेले माता नानकी जी ने अपने पति श्री हरगोबिंद साहिब जी नूं बड़ी ही निम्रता नाल अरदास करदिया होया कहा, हे महाराज, आप जी ने साडे पुत्र तेग बहादुर जी वल ध्यान नहीं दिता। ऐ गल सुन के अंतरजामी गुरु जी कहन लगे, मेरे शरीर त्यागन तो बाद तुसी परिवार समेत अपने पेके पिंड बकाला विच वस जाना। समय आन ते पुत्र तेग बहादुर नूं गुरगद्दी प्राप्त होवेगी। 19 मार्च 1644 ईस्वी नूं गुरु श्री हरगोबिंद साहिब जी दे अकाल चलाना करन तो बाद माता नानकी जी अपने पति दे बचना दा पालन करदिया होया
पिंड बकाला परिवार समेत वस गए। उथे गुरु तेग बहादुर जी सारा दिन घर के एकांत जगह से बैठ के सिमरन विच रुझे रहते। इस तरह आप जी ने 26 साल 9 महीने 13 दिन प्रभु साधना विच बिताते। समय का चक्कर चलता रहा। उस दौरान सिखां दे सतवें गुरु श्री हर राय जी ने अपने शरीर त्यागन तो पहला अपने 5 साल के साहिबजादे श्री हर कृष्ण जी ने गुरगद्दी दे योग समझदे होया सन 1661 विच सिखां दा 8वां गुरु घोषित कर दिता। 8 सालां दी उम्र विच गुरु हर कृष्ण जी ने दिल्ली दे हजारां लोकां नूं चेचक दी बीमारी तो बचाया ते अंत विच खुद भी इस बीमारी नाल पीड़ित हो गए। जदों गुरु जी बहुत बीमार हो गए तां संगतां नूं पता लग गया कि हुण गुरु जी कोल समा थोड़ा ही है ते असी गुरु जी तों बिना अनाथ होण वाले हाँ। संगतां ने भावुक होके पुछिया, हे महाराज, तुसी सानू किदे लड़ ला के चले हो? गुरु जी दे मुहों निकलिया, गुरु बाबा बकाले। समूह संगतां नूं समझदिया जरा भी देर ना लगी कि गुरु जी दे कहन दा भाव है कि सिखां दे होण वाले नौवें गुरु बाबा बकाला पिंड विच हन। माता नानकी जी जानदे सन कि हुण उहनां दे पुत्तर श्री तेग बहादुर जी ही गुरु नानक देव जी दी नौवीं जोत वजों प्रगट होण वाले हन। गुरु तेग बहादुर जी सारा दिन भगती विच लीन रहिंदे। ऐ वेख के माता जी ने आप जी नूं कहा, पुत्तर जी, तुसी संगत विच प्रगट होके सारिआं नूं दर्शन दे के उहनां दीआं इच्छावां पूरीआं करो। गुरु जी ने इस गल का कोई जवाब ना दिता अते मुड़ ध्यान विच लीन हो गए। दूजे पासे गुरु हर राय जी दे वड्डे भरा बाबा तीरमल जी, जो कि 1645 ईस्वी तो ही गुरगद्दी हासिल करन दी कोशिश विच लगे सी, उन्हां कोल आदि ग्रंथ दी एक प्रतिलिपि भी सी, जिस दे कारण ओ बाबा बकाला विच अपनी गद्दी ला के बैठ गए ते आदि ग्रंथ अपने कोल होण दा दावा करदिया होया सारे लोकां नूं कहन लगे, मैं ही बाबा बकाले वाला गुरु हाँ। उन्हां नूं अजिहा करदिया वेख बहुत सारे झूठे लोग अपने आप नूं भी गुरु कह के अपनी अपनी गद्दी ला के उत्थे बैठ गए। ऐ नज़ारा वेख के सिख संगतां दुविधा विच पै गईयां कि आखिर सच्चा गुरु कौन है। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਸੀ ਜੋ ਅਕਸਰ ਵਪਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਸਮੇਤ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਤੂਫਾਨ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾ ਗਿਆ। ਕੁਦਰਤ ਅੱਗੇ ਬੇਬਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਲਾ ਦਵੋ। ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 500 ਮੋਹਰਾ ਭੇਟਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਜਦੋਂ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੋਢਾ ਦੇ ਕੇ ਡੁੱਬਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰਨ ਕੀਤੀ। ਜਹਾਜ਼ ਪਾਰ ਲੱਗਦਿਆਂ ਹੀ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰਨ ਹੋਣ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁੱਜ ਗਿਆ।
ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਬਕਾਲਾ ਪਿੰਡ ਪੁੱਜਿਆ। ਉੱਥੇ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚੋਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਕਾਲੇ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਅਖਵਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਨੋਦ ਦੀ 500 ਮੋਹਰਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਹੀ ਮੰਗ ਲਵੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੋ ਦੋ ਮੋਹਰਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਮੋਹਰਾਂ ਨਾ ਮੰਗੀਆਂ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਦੇਰ ਨਾ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਖੰਡੀ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦੁਰ ਜੀ ਕੋਲ ਪੁੱਜਾ। ਦੋ ਮੋਹਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਮੋਹਰਾਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦੁਰ ਜੀ ਨੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ 500 ਮੋਹਰਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਨੋਤ ਮੰਗ ਕੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਦੋ ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਨੋਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੁੱਖੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹੀ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਨੌਵੀਂ ਜੋਤ ਹਨ। ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬਾਗ ਬਾਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਪਲ ਗਵਾਏ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ 500 ਮੋਹਰਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਆਪਣੀ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਛੱਤ 'ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਾ ਲਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ, ਗੁਰੂ ਲਾਧੋ ਰੇ, ਗੁਰੂ ਲਾਧੋ ਰੇ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲੱਭ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦੁਰ ਜੀ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹਨ। 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 1664 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦੁਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨੌਵਾਂ ਗੁਰੂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭੇਟਾ ਅਰਪਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀਆਂ। ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਭੇਟਾ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਬਾਬਾ ਧੀਰਮਲ ਸਾਰਾ ਚੜਾਵਾ ਉਠਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੈਰੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਵਾਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ੀਹੇ ਮਸੰਦ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਲ ਵੀ ਬਾਂਕਾ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਵੇਖ ਕੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਆਦਮੀ ਲੈ ਕੇ ਧੀਰਮਲ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀ ਭੇਟਾਂ ਵਾਪਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਲੈ ਆਇਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਲੈ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧੀਰਮਲ ਦੇ ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਨਿਰਾਦਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਧੀਰਮਲ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦੁਰ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁੱਜੇ। ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਨਾ ਜਮਾ ਲੈਣ। ਇਸ ਲਈ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ।
ਐਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਬੇਰੀ ਦੇ ਦਰਖਤ ਹੇਠਾਂ ਬਹਿ ਗਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰੁਕੇ ਉਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਦਰਖਤ ਹੇਠਾਂ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਹਰੀਆ ਨਾਮ ਦੀ ਮਾਤਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਨਮਾਨ ਪੂਰਵਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮਾਤਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਬਿਸਤਰੇ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਛਕਾਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਰੁਕੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਸੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਮਾਘ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਖਾਤਰ ਵੱਲੇ ਪਿੰਡ ਪੁੱਜੇ। ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਪੈਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਭੁੱਲ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਮਸੰਦ ਤੁਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੀਏ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਗਨ ਤੇ ਅੰਦਰ ਸੜੀਏ। ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਮਸੰਦ ਕਹਿਲਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਬਲਦੇ ਰਹੋਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਵੇ ਦੀ ਅਗਨੀ ਵਿੱਚ ਸੜਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮਸੰਦ ਅਤੇ ਪੁਜਾਰੀ ਪਛਤਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਿਦੁਆਰ, ਮਥੁਰਾ, ਆਗਰਾ, ਗਯਾ ਵਰਗੇ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਰੁਕ ਕੇ ਅਗਲੀ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲ ਪਈ। ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਭੁੱਲੇ ਭਟਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। 1666 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੇ 34 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਪਟਨਾ ਵਿਖੇ ਬਾਲਕ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹ ਬਾਲਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਲਾਏ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲ ਰਾਜਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲੇ ਉਹਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਜਜ਼ੀਆ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਨੇਊ ਉਤਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1.25 ਮਣ ਜਨੇਊ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਉਤਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਰਾਤਰੀ ਦਾ ਭੋਜਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਮਨਮਾਨੀਆਂ 'ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਲਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। ਹੱਦ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੰਦਿਰ ਤੁੜਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਬਣਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਜਿਹੀ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਜ਼ੁਲਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਪਾਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਸਮਝ ਨਾ ਆਇਆ। ਆਖਿਰ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦੁਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ।
गुरु जी अगे रोंदिया होया कहन लगे, साडा हिंदू धर्म खतरे विच है। औरंगजेब का जुलम इन्ना कु वध गया है कि सानू जबरदस्ती मुसलमान बनाया जा रहा है, आते सानू कई तरीकों नाल सजावं दित्तियां जा रही हैं। जो मुस्लिम धर्म नहीं अपनाउंदा उन्हां जान माल का नुकसान झेलना पैंदा है। साडियां नूहां तियां का सम्मान भी दाव ते लग्या होया है। इसलिए हे महाराज, साडे हिंदू धर्म की रक्षा की जाए। यह सब कुछ सुनन तो बाद गुरु तेग बहादुर जी डूंगी सोच विच पै गए। उस वेले आप जी दे नाल आप जी दे साहिबजादे गोबिंद राय बैठे सी। उन्हां दी उम्र उस वेले 9 वरियां दी सी। पंडितां दी सारी गल सुनन तो बाद साहिबजादे गोबिंद राय जी कहन लगे, पिता जी तुसी की सोच रहे हो? गुरु जी बोले, बेटा इस वेले मुगल राजा हिंदुओं ते बहुत जुलम कर रहे हैं, जिस कारण हिंदू धर्म खतरे विच पै गया है। जे औरंगजेब नू ना रोकया गया तो दुनिया विच एक भी हिंदू नहीं बचेगा, बल्कि सारे ही मुसलमान बन जाएंगे। इन्हां कश्मीरियां पंडितां दे धर्म की रक्षा लई एक अजिहे महापुरुष की लोड़ है जो अपनी कुरबानी दे के हिंदू धर्म नू बचा सके। पिता जी दे मुखों ए वचन सुन के बालक गोबिंद राय ने कुदरती तौर ते ही कह दिता कि इस वेले धरती ते तुहाडे नालों वड्डा होर कौन महापुरख है जो इन्हां दे धर्म की रक्षा कर सके। जे बलिदान दे के इस समस्या का हल हो सकता है तो पिता जी तुसी ही अपने आप नूं कुर्बान करके कश्मीरी पंडितां दे धर्म की रक्षा करो। गुरु जी कहन लगे, तुसी हाली छोटे हो, मेरे तो बिना तुहाडी देखभाल कौन करेगा? ऐ सुन के बालक ने कहा, जिस प्रभु ने मेरी माँ दी कुख विच 9 महीने मेरी रक्षा कीती है उही मेरी अग्गे भी रक्षा करेगा। कश्मीरी पंडिता ने जदों ऐ गल छोटे जे बालक दे मुखों सुनी ते हैरानी नाल उस तो पुछन लगे, हे गोबिंद राय, जेकर तुहाडे पिता जी शहीद हो गए तो तुसी अनाथ हो जाओगे। बालक गोबिंद राय जी कहन लगे, जेकर मेरे कल्ले अनाथ होण नाल लखां बच्चे अनाथ होण तो बच जान अते मेरी माता दे विधवा होण ते लखां मातावां विधवा होण तो बच जान तां इह फैसला सही होवेगा, मैनू इस विच कोई दुविधा नहीं है। अपने होन हर बालक दे मुखों अजिहियां गल्लां सुन के गुरु जी बड़े ही प्रसन्न होए अते पंडितां नूं कहन लगे कि तुसी औरंगजेब नूं खबर भेज के कह दो, जेकर साडे आनंदपुर वासी गुरु जी इस्लाम धर्म कबूल कर लैणगे तां ही असी भी इस्लाम धर्म कबूल करांगे। पंडितां ने जल्दी ही यह खबर बादशाह नूं भेज दित्ती। खबर मिलद्या ही बादशाह ने गुरु जी नू दिल्ली आउण दा सद्दा भेजिया। गुरु जी अपने नाल कुछ सिखां नू लैके रस्ते विच पड़ाव करदे होया संगतां नू दर्शन दिंदे आगरा पुज्जे। उत्थे पुज्जद्या ही औरंगजेब ने चलाकी नाल आप जी नू बंदी बना के दिल्ली दी कैद विच बंद कर दिता। बादशाह ने गुरु जी नू संदेश दिता जिस विच लिखिया सी कि तुसी इस्लाम धर्म कबूल कर लवो, फिर सारा देश तुहाडा मुरीद हो जाएगा, सारे हिंदू भी तुहानू वेख के मुस्लिम बन जाएंगे। इस तरह जदों सारे देश विच इको ही धर्म होएगा तां धार्मिक झगड़े भी अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। गुरु जी ने औरंगजेब नू वचन किया, तुसी सारे देश विच केवल एक धर्म करना चाहते हो, पर अगर परमात्मा चाहे तो 2 धर्म हिंदू ते मुस्लिम धर्म की थां 3 धर्म हो जाएंगे। अजिही गल सुन के औरंगजेब ने गुरु जी नू कहा, यह किद्दां हो सकता है? गुरु जी बोले, इस गल का फैसला करन लई एक मन लाल मिर्चा जला के वेख लवो। जेकर मिर्चा की राख विच एक सबूती मिर्च बच जाए तो इसका मतलब भविख विच केवल इको धर्म रहेगा। जेकर 2 मिर्चा साबत बचियां ते फिर कल नू देश विच 2 धर्म होणगे, ते जलन तो बाद 3 मिर्चा साबत निकलियां तां समझ लेना कि इन्हां 2 धर्मां तो अलावा एक तीजा धर्म होर बनेगा।
गुरु जी दी साखी विच दर्ज है कि इस तरह जदों मिर्चां दा ढेर जला के राख नूं वखेरिया गया तां उस विच 3 मिर्चां साबुत बच गईयां। बादशाह इस फैसले नूं वेख के बड़ा ही हैरान रह गया। किया जांदा है कि जदों गुरु जी ने किसी भी तरह मुस्लिम बनना कबूल ना किया तद बादशाह ने अपने काजी दे हाथ गुरु जी नूं खबर भेजी, अगर तुसी मुसलमान नहीं बनना चाहुंदे तां फिर कोई करामात दिखाओ। गुरु जी कहन लगे, करामात ते कहर दा नां है जो असी नहीं करना चाहुंदे। फिर राजे ने कहा, जे तुसी इस्लाम भी स्वीकार नहीं करोगे, करामात भी नहीं दिखाओगे तां फिर कतल होण वास्ते तैयार हो जाओ। इस ते गुरु जी बोले, तुहाडी पहली तां दूजी शरत मैनू मंजूर नहीं, पर तीजी शरत कतल होण वाली सानू स्वीकार है। उस वेले कुछ गुरु जी दे सेवादार भी बादशाह दी कैद विच सी। गुरु जी द्वारा इस्लाम धर्म कबूल ना करन करके औरंगजेब ने आप जी नूं डराउण वास्ते आप जी दे ही सेवक भाई सतीदास, भाई मतीदास अते भाई दयाला जी नूं कोर कष्ट दे के शहीद करन दा हुक्म सुनाता। भाई मतीदास जी नूं काजी द्वारा आरे नाल चिरवा दिता गया। भाई सतीदास जी नूं रूह विच लपेट के अग दे हवाले कर दिता गया। भाई दयाला जी नूं पानी दी उबलती देग विच पा के उबाल दिता गया। गुरु जी दे तीनों सच्चे तथा धर्मी सेवकां ने हसदिया हसदिया शहादत दा जाम पी लिया। गुरु जी दे तिन्ना प्यारियां दी शहीदी तो बाद गुरु जी नूं बादशाह ने सुनेहा भेजिया कि तुसी इस्लाम धर्म कबूल कर लवो, नहीं तो तुहाडे नाल भी यही व्यवहार किया जाएगा। बाकी 3 सिख सेवादार भाई गुरदिता जी, भाई उदो जी ते भाई चीमा जी गुरु जी दे कोल ही रहे। अंतरयामी गुरु जी ने जदों अपना आखिरी समा अपने कोल आंदा देख लिया तां उन्होंने तिन्ना सिखां नूं अपने घर वापस जाण दा आदेश दिता ते कहा, हुण एथे रहण दा कोई फायदा नहीं होना। तां उन्हां ने गुरु अग्गे अरदास कीती, हे महाराज, साडे हाथ ते पैर जंजीरां नाल बन्ने होए हन, जेल दे दरवाजे बंद हन, असी इत्थों किद्दां निकल सकदे हां। गुरु जी ने वचन कीता कि तुसी इस शब्द दा पाठ बार बार करो, काटी बेड़ी पग हूं ते गुरकीनी बंद खलास, तां फिर तुहाडी जंजीरां आपे ही टुट जाणगियां अते दरवाजियां दे जंदरे आपे ही खुल जाणगे, तुहानूं कोई नहीं वेखेगा। गुरु जी दा वचन मन के अखीर भाई उदो जी अते भाई चीमा जी इस तरह आजाद हो के अपने घरां नूं चले गए। इत्थे गौर करन वाली गल यह है कि गुरु जी तां खुद ही निरंकार दा रूप सन, अंतरयामी सन, जिन्हां कोल महान शक्ति सी। आप जी दे उच्चारण कीते हुए एक शब्द विच इन्नी ताकत सी कि सारियां जंजीरां आपे ही टुट गईयां, नाले दरवाजे आपे ही खुल गए। जे उस वेले आप जी चाहुंदे तां एक पल विच जुल्मी ते वैरी दी गिरफ्त चों बाहर हुंदे, क्योंकि आप जी नूं इस रूहानी शक्ति नूं कोई संसार विच कैद करन वाला पैदा नहीं होया। आप जी तां बस निरंकार दे हुक्म विच रह के 13 पाणा मीठा लागे दे सिद्धांत ते खरे उतरे। किया जांदा है कि भाई गुरदिता जी आप जी दे अंतिम समय तक तुहाडे नाल ही सी। गुरु जी ने उस एकांत विच अपनी मस्ती विच एक श्लोक दा उच्चारण कीता, संग सखा सब तज गई कोई न निभ्यो साथ, कहो नानक ए विपत मैं टेक एक रघुनाथ। अर्थात जीवन दे अंतिम पलां विच सारे संबंधी अते मित्र साथ छड गए हन, किसी ने भी मेरा साथ ना निभाया, ता ऐस औखी घड़ी च मैनू बस हुन एक निरंकार परमात्मा दा ही आसरा है। अंतिम कड़ियां कोल आउंदियां वेख के आप जी ने आनंदपुर विच अपने परिवार नूं हिम्मत ता सबर रखण वास्ते नाले रब दी आग्या मनन लई श्लोक लिख के भेजे सी। गुण गोबिंद गायो नहीं जन्म अकारत कीन,
कहु नानक हर पज मना जीवित जल को मीन। असी इत्थे सिर्फ एक श्लोक का ही वर्णन किया है। दरअसल गुरु तेग बहादुर जी ने चांदनी चौक की जेल विच 57 श्लोक लिखे सन। यह उही श्लोक हैं जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंग 1426 दर्ज हैं। असी इन्हां श्लोकों की वीडियो पहले ही बना चुके हाँ। आप जी उपर दिते गए आई बटन ते क्लिक करके साढ़े दूजे चैनल ते श्लोक महला नौवा अर्थ समेत सुन सकते हो। गुरु जी की साखी विच दर्ज है कि इन्हां श्लोकों के नाल तद गुरु जी ने 5 पैसे अते एक नारियल अपने सिखां दे हाथ सन 1675 विच आनंदपुर भेज के 10वीं गुरुगद्दी अपने साहिबजादे श्री गुरु गोबिंद सिंह जी नूं सौंप दित्ती सी। आखिरकार 24 नवंबर 1675 ईस्वी नूं ओह काला दिन आ ही गया। आप जी नूं चांदनी चौंक विखे सूरज डुबण तो बाद औरंगजेब दे हुकम अनुसार जल्लाद ने तलवार दे इक्को वार नाल शहीद कर दिता। इस दर्दनाक घटना तो बाद तेज काली हनेरी चल पई ते सारा आसमान लाल हो गया। इस हनेरे दा फायदा चुकदिया होया गुरु घर दा सेवक भाई जेता जी नूं मौका लब गया। उन्होंने आप जी का पवित्र शीश अपने कपड़ियां विच लपेट के मुगलियां तो छुपा के लगातार 5 दिन चल के आनंदपुर साहिब आप जी दे परिवार नूं सम्मान सहित सौंप दिता। आप जी दी मिठी याद विच यह स्थान अजकल शीशगंज गुरुद्वारा कहलांदा है जो कि आनंदपुर साहिब विच सुभायमान है। इस तेज हनेरी का फायदा चुकद्या होया गुरु घर का एक होर सेवक भाई लखी शाह वंजारा अपनी बैलगाड़ी के माल विच लुका के आप जी का पावन तड़ अपने घर लै गया अते गुरु जी के पवित्र शरीर का संस्कार करन लई उसने अपने सारे घर नूं ही अग्नि भेंट कर दिता सी ताकि मुगलियां नूं शक ना हो सके ते संस्कार की किरिया विच कोई विघन ना पा सकन। लखी शाह दे घर की थां अजकल गुरुद्वारा रकाबगंज सुभायमान है। गुरु साहिब जी अपनी कुर्बानी दे के हिंदू धर्म नूं बचा के इस गल नूं साबित कर गए कि सिखी जात पात रंग नसल तो बहुत उपर है। आप जी ने हिंद की चादर बन के एक जालम शासक ओदी औकात तो जानू करवाया। आप जी दे अमर बलिदान नू असी कोटी कोटी प्रणाम करते हाँ। आप जी ने कुरबानी अते वीरता का संदेश देकर सारी मानवता नू दस्या जदों भी किसी ते कोई औखी घड़ी बन आवे ता अपना हित देखे बगैर कुरबान हो जाओ। परमात्मा सानू बुद्धि बख्शे ता जो असी सारे आप जी दे दिखाए हुए रस्तियां ते चल के अपना जीवन कीमती बनाइए। वाहिगुरु जी दा खालसा वाहिगुरु जी दी फतेह। वाहेगुरु।